जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। देखिए, मैंने पिछला वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें बताए हैं कि डिग्री पार्ट टू के एग्ज़ाम तिथि जारी कर दिया गया है, और इसमें कमेंट भर भर के आ रहा है। कोई कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जिस दिन आप डेट बता रहे हैं 26 मई 2024, उस दिन संडे है। कोई कह रहा है ये नोटिस फेक है। कोई कह रहा है आप लोगों को मोदी जी की बीमारी ने धर लिया है फेंकने वाला। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा के पूरा डॉट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। उस समय तो लाइट कट गया था, इस कारण से जितना वीडियो हो सका मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इस वैसे ही नहीं, बिना मतलब के आपको गुमराह किया जाए या आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है। सुबह में ही 10 से 11-12 बजे तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुका था, लेकिन इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए मैंने, आप सभी को पता होगा कि आज के दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाना था और हुआ भी, कैंडिडेट सब पहुँचे भी थे और जो जिनके नेतृत्व में हुआ था वो पहुँचे थे, तो उनको भी यही डेट बताया पार्ट टू के एग्ज़ाम 26 मई से शुरू होंगे। वो भी सुन करके चौंक गए। आप लोग कह रहे हैं ना कि सर 26 जून कहाँ होगा, तो मैं भी यही 2-3 बार कॉल करके पूछे कि सही में 26 जून कहाँ होगा, तो कहते नहीं 26 मई। फिर वो भी, उन लोग भी कंफर्म हो गए। तो मयंक कश्यप भी जी गए थे और 2-3 उनके साथी थे, वो भी गए थे, ठीक है। तो उनसे कंफर्म किए, फिर हमको लगा कि ना एक बार और पूछ लिया जाए। तो JACP के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी, वो भी यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, शायद मयंक कश्यप उनसे मिले होंगे और इस चीज़ पर डिस्कस करे किए होंगे, क्योंकि बताया कि कुछ लड़का सब आया था और वो बोल रहा था ऐसा सब बात की 26 तारीख से है, तो हो सकता है मयंक कश्यप जी मिले होंगे उनसे, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भाई जी ऐसे से बात है क्या, सही है? तो उन्होंने बताया कि कंफर्म करके बताते हैं। फिर सो रहे थे, सो करके उठे नहीं, सोए हुए थे, तो कॉल आया कि हाँ सही में 26 मई से ही एग्ज़ाम शुरू होंगे, और एक कंफर्म किया 1.5 घंटा के बाद कॉल किया हमको कि हाँ 26 मई से ही एग्ज़ाम शुरू होंगे और यही डेट अभी बताया गया है। अब आप लोग यह भी कहिएगा कि प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो एडमिट कार्ड से पहले प्रोग्राम जो जारी होता है वो नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे मान लें कि 26 मई से एग्ज़ाम होंगे? तो ये तो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार हो रहा है। पता नहीं कहाँ का ये नियम है या किस हिसाब से वो एग्ज़ाम कराएंगे। सभी कैंडिडेट ऐसे नहीं होता है कि पढ़ने में ही लगे रहते हैं, उनके घर की मजबूरी रहते हैं तो वो कमाने के लिए चले जाते हैं, तो उनको अचानक से आना थोड़ा क्या दुख लग रहा है कि वो छूट भी जाए एग्ज़ाम। फिर भी 5 दिन 7-6 दिन है, और मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं, जैसे तैसे करके आप लोग आ सकते हैं। अब कहिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ आया? देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं आया है। आज से कल तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसा मुझे बताया गया है, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों की है कि प्रोग्राम जारी नहीं किया गया है, तो कैसे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे? देखिए, प्रोग्राम जो है आपके एडमिट कार्ड पे ही रहते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा, एडमिट कार्ड पे ही सभी चीज़ मौजूद रहते हैं, किसका एग्ज़ाम किस तारीख को है, तो वो आप लोग देख रहे होंगे कि एडमिट कार्ड पे है, शायद इसलिए प्रोग्राम जारी नहीं किया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब आने वाले समय में जो भी नोटिस आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग जुटे रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वेस्ट माने जाते हैं रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर, क्योंकि अब आप लोगों के पास न तो पोथी या पोथांग पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग ऊपर ऊपर जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, और जो डीपली पढ़ रहे थे तो उनके लिए तो ठीक है, नहीं जो नहीं किए थे वो ऊपर ऊपर कर लीजिए। रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर आपके मार्केट में मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड आज से कल तक जारी होगा, मैं आप लोगों को नोटिस के साथ जो एडमिट कार्ड है वो भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को देते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को रुकना है ना, 2 साल तक रुकना पड़ेगा अभी, जब मुझसे जुड़ना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए समय पर, तो ठीक है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ, जो मैंने सूत्रों के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताए हैं ठीक है, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट आती है या आते हैं तो वो डेट फिक्स माने जाएंगे और इस पर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार है और आप लोगों के जो अभी डेट बताया है उसका भी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।